एक कॉपीड कंटेंट, वो भी ट्रेंडिंग पे। मुझे पता है तुम्हें सुन के ऐसा लग रहा होगा मेरा दिमाग का ख्याल ही खुला हुआ है, बट ऐसा नहीं है। यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे एक कॉपीड कंटेंट आ रखा है, और वो भी एक पूरी मूवी फुल फ्लेज्ड, और वो भी एक बार कॉपी नहीं हो रखी, तीसरी बार कॉपी हुई थी, मतलब दूसरी बार कॉपी हुई थी, तो रीमेक किया गया। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बात कर रहा हूँ मेस्ट्रो की। मेस्ट्रो आज से 2-3 साल पहले आई थी 2021 में, और अब चल रहा है 2024। इसको एकदम से हाइप मिली और कल एकदम से ट्रेंडिंग नंबर 1 पे पहुंच गई। अब देखो मेरे को प्रॉब्लम तो इससे कुछ नहीं, क्योंकि एज अ वॉचर मैंने देख रखी मूवी और मेरे को इतना बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने अमेजोन देख रखी थी, तो क्योंकि ओरिजिनल मूवी हमेशा अपर एंड रखती है, अगर खासकर वो बॉलीवुड की ना हो तो। अगर बॉलीवुड में आ गई तो ऐसा होता है कि जो रीमेक है वो ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जैसे कि दृश्यम, यू नो बहुत सारे रीमेक्स ज़्यादा सही होता है। बट अभी का जो बॉलीवुड ग्राफ चल रहा है उसमें उल्टा हो रखा है, क्योंकि खेल खेल में तो मैं नहीं पता, तो ये मेरी वीडियो है आई बटन पे आ गई होगी। हाँ, तो वो एक बहुत पुरानी मूवी की कॉपी है, किसकी वो तो मैं सब मिल जाएगा, इटली की एक मूवी है, देखो जाके। तो हाँ, अपने टॉपिक पे वापस से आते हैं। तो हाँ, मेस्ट्रो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे थी, ये ट्रेंडिंग नंबर 1 पे थी, ऐसा भी नहीं कि ऊपर नीचे, अभी ट्रेंडिंग नंबर 4 पे आ गई जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना चालू किया है। तो ये हुआ कैसे, मतलब इतनी स्टोरी बड़ी है कि कॉपी इतनी बार होने के बाद भी उसकी जो क्वालिटी है अभी तक गिरी नहीं। तो हाँ, ट्विस्ट यही आता है, जो ओरिजिनल मूवी है अंधाधुन, अगर तुमने देख रखी है तो तुम्हें पता है वो कितनी मास्टरपीस मूवी है, बट जब वो भी किसी की कॉपी है मेरे को अभी पता चला। और जब मैंने इसको देखा मेस्ट्रो को अभी से 2-3 साल पहले जब रिलीज हुई थी तभी देखा था, नो डाउट अच्छी मूवी है, बट ऑब्वियसली अंधाधुन से ऊपर नहीं जाती है मेरे लेवल पे, अंधाधुन से ऊपर नहीं जाती मेरे लिए पर्सनली। तो देखो मैं बताना चालू करता हूँ कि मेस्ट्रो तीसरी बार कैसे मैं कॉपी ले रहा हूँ। देखो तीसरी इंस्टॉलमेंट भरी गई है, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट थी उसका नाम था, जो पहला इंस्टॉलमेंट था उसका नाम था ला एक्रोड्योर, इसका मतलब है द पियानो ट्यूनर। तो इसमें भी पियानो प्लेयर की बात हो रही है, जो कि हमारा लीड होता है इस मूवी में भी, बट ये आई थी 2010 में। इसका रीमेक हुआ 2018 में बॉलीवुड में, जिसका नाम तो मैं सबको ही पता है अंधाधुन। आयुष्मान खुराना थे, तब्बू थी और राधिका आप्टे थी, तुम्हें पता ही होगा राधिका आप्टे के बारे में। और अब ये मूवी रिलीज हुई थी उससे 3 साल बाद 2021 में, हाँ मेस्ट्रो नाम से। इसके पर्सनली जो चीज़ें हैं जो इसको अच्छा बनाती हैं वो मैं गिनाना चालू करता हूँ एज अ रिव्यूअर। जैसे हम मेस्ट्रो की बात कर रहे हैं तो कुछ फन फैक्ट्स भी जान लेते हैं, जैसे कि नितिन जो लीड एक्टर हैं उन्होंने इसके लिए पर्सनली पियानो सीखा था। और मेस्ट्रो मूवी अभी हाइप में क्यों आ सकती है उसका एक रीज़न मैं बता सकता हूँ तुम्हें, जो कि मेरे को पर्सनली लगता है, क्योंकि इसमें तमन्ना है। तमन्ना अभी बूम मार रही है, लिटरली बूम मार रही है हर प्रोजेक्ट में अपने। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट बूम मारा था उसका नाम था जी करता, वो भी एक सीन की वजह से, जो कि सबसे गलत बात है कि सिर्फ एक सीन की वजह से लोगों ने सीरीज़ को हाइप दे दी। मैंने सीरीज़ पूरी देखी है तो हाँ अच्छी है वेब सीरीज, उसमें हैं कुछ कैरेक्टर्स जिनके बारे में जानना चाहिए, बट ज़्यादातर क्लीशे हो जाती हैं, जो कि तुम प्रेडिक्ट कर लोगे हाँ स्टोरी यही होने वाली, इसका दोस्ती बननी ये वो मिक्स, दिमाग ख़त्म। तो हाँ, इस मूवी से तमन्ना ने तेलुगु सिनेमा में 2 साल बाद वापसी करी थी, इसलिए ये थोड़ी स्पेशल है तमन्ना के लिए। बट जो लोग हैं जिन लोगों ने मूवी ट्रेंडिंग पर वापस ला दी है वो तमन्ना को देखने, ऐसा कुछ है नहीं। अगर तुम उस इंटेंशन से ज़्यादा, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है, तो चुपचाप कुछ और देख लो। तो मेस्ट्रो मूवी को मैं अंधाधुन से एक स्टेप ऊपर सिर्फ इसलिए रख सकता हूँ, क्योंकि जो उसका बैकग्राउंड स्कोर यानी म्यूजिक है, म्यूजिक बहुत बढ़िया है, मतलब 2-3 मेरी प्लेलिस्ट में भी सेव है जो मैं स्पॉटीफाई पे सुनता रहता हूँ, जबकि मेरे को लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, बट वो ये ना वाइब मैच कर जाती है। तो ये मूवी में जो लीड है नितिन, उनका तो मैं नहीं पता है, तो उनका ये जॉनर ही बहुत अच्छे से पकड़ रखा उन्होंने, कि वो कॉमेडी थ्रिलर अच्छे से बना लेते हैं। बहुत सारी मूवीज हैं जैसे आ आ, ये नाम है मूवी का, ठीक है कोई गलत नहीं समझेगा मुझे, हाँ तो ये मूवी जो है ये भी यूट्यूब पर फ्री है, वो भी बहुत अच्छी हाइप में रहती है हमेशा। तो जो मेस्ट्रो का प्लस पॉइंट है ना, कि उसने 25 करोड़ में 50 करोड़ कमाए थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और वहीं अदर हैंड पे 32 करोड़ में अंधाधुन बनी थी और उसने 450 करोड़ के आसपास एस्टिमेट कमाए थे। तो तुम समझ रहे हो गैप कितना बड़ा है। तो हाँ, जिससे कॉपी करी थी उसके बराबर तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाई, बट हिट है, हिट है और एक दूसरी ब्लॉकबस्टर हिट है, तो दोनों में फ़र्क है, बट हिट भी बेकार चीज़ नहीं होती, तुम हिट निकाल लो। तो हाँ, मूवी एक बहुत अच्छी क्राइम थ्रिलर है, क्योंकि स्टोरी सेम रहती है, बस एक्टर चेंज हुए हैं, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा अंतर मिलेगा इन दोनों स्टोरीज में। तो अगर तुम मूवी देखने जा ही रहे हो और तुम कहीं से मेंबरशिप नहीं ले सकते हो, तुम्हें फ्री मूवी देखनी, तो शायद से यूट्यूब पर भी अंदर मिल जाए,
बट हाँ तुम्हें बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना है तो हाँ तुम मास्टर को चांस दे सकते हो। बट हाँ मैं अभी भी ये कहूँगा कि अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो अंधाधुन देखो, मास्टर से एक स्टेप आ गई है। तो हाँ आई लाइक अंधाधुन मोर देन दी मास्टर यू नो, और मास्टर मूवी अच्छी। अब मास्टर और अंधाधुन एक ही मूवी है तो उसमें कुछ डिफरेंस है नहीं। तो हाँ मेरे को एकदम से लगा कि ट्रेंडिंग पे कैसे आ गई मूवी, तो मेरे को लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आ गया। हाँ आज की वीडियो का यही मेन टॉपिक था कि क्या है मूवी और क्यों है। एक थ्रिलर है जो कि बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। अगर तुमने मूवी देखी है तो तुम्हें मज़ा आएगा, तुम अपना वीकेंड वीकडे कुछ भी बढ़िया बना सकते हो। 2 घंटे की मूवी है तो हाँ मज़ा आएगा। ठीक है तो हाँ कल मिलता हूँ ओनली रिकमेंडेशन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दुरुस्त रहना और आते रहना है मोबाइल पर वापस।